ये देखिए यहाँ पे नीचे फर्नेस है, ये वाली हटानी है, ये वाली लगानी है। लेकिन अब इन्होंने एक पंगा डाल दिया है, ये कह रहे हैं हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, और नीचे वाली भी चाहिए इनको, दोनों बात ऊपर वाली भी चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया मेरे साथ में, देखो क्या होता है। ऊपर वाला विश्वकर्मा ये क्या कराते हैं। आज दूसरा दिन हमारे यहाँ पे, तो कोशिश आज ये रहेगी कि इसका टॉप फर्नेस का और वो बॉटम वाली फर्नेस का दोनों का काम ख़त्म कर दे। इसके बाद में फिर नेक्स्ट डे कल जो है, फिर जो बेल्ट वेल्ट चेंज करनी है, गियर वगैरह चेंज करना है, कल फिर उसको देखेंगे, लगते हैं काम पे। ओके, दोस्तों मेरा ना आज काम पूरा हो गया यहाँ पे। ओके, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को इस काम से, क्योंकि ये काम मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है, जिसमें मैं टॉप फर्नेस और साइड फर्नेस दोनों एक साथ ऑपरेट कर रहा हूँ एक मशीन के अंदर। मोस्टली होता क्या है कि अगर आपने सपोज को ये साइड फर्नेस है, इसमें आपने सिलीनियम एलॉय चलाना है, और ये टॉप फर्नेस है, इसमें आपने कैल्शियम चलाना है, तो अलग अलग अलॉय के लिए आपको बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। दूसरी मशीन ले लेते हैं लोग बाग, तो यहाँ पे एक ही मशीन के अंदर मैंने दोनों पोर्ट चलाने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मॉडिफिकेशन किया है थोड़ा मशीन के अंदर, तो आप साइड फर्नेस भी चला सकते हैं, टॉप फर्नेस भी चला सकते हैं। थोड़ा सा मेरा काम ख़त्म हो गया, इसमें जो है आपको दिखा देता हूँ एक बारी। सपोज करें आपने साइड फर्नेस चलानी है, तो साइड फर्नेस के लिए क्या रहेगा, साइड ये जो लेड डिस्पेंसर है ये ऑफ रहेगा, इसको आपने जो एक ये टॉप फर्नेस का कंट्रोल पैनल है और इसका इधर डिस्पेंसर के लिए कंट्रोल पैनल है, तो आपने क्या करना है कि आप इसको जैसे साइड फर्नेस को पहले से चलाते थे वैसे ही चलाना है आपने, मेन ऑन करनी है आपने, और मेन ड्राइव ऑन करके अभी टेम्परेचर वगैरह मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, ये फिर लाइन फर्नेस के हीटर ऑन नहीं कर रहा हूँ, फंक्शनिंग आपको दिखा देता हूँ। अभी हवा बंद है, ओके, ये आपकी वैसे ही काम करेगी जैसे करती आ रही है, ठीक है। अब लेकिन आपने अभी फीड लाइन अभी पंप ऑन नहीं है, यहाँ से लेड आपका आता रहेगा ये टी रोड लगा के, ओके। लेकिन आपने सपोज करो अब साइड फर्नेस निकाली चलानी है, आपने टॉप फर्नेस चलानी है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने एक तो फीड लाइन और पंप का हीटर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इधर अभी इस पर मार्किंग करूँगा, एक्चुअली यहाँ पर जो ये आया था ना सिस्टम आता ऐसे आया था कि मैंने साइड फर्नेस हटा के टॉप फर्नेस को माउंट करना था, लेकिन ये लोग बोले हमें तो दोनों चाहिए, तो दोनों के हिसाब से ये पैनल माउंट हो गया नहीं आता, छोटा पड़ गया, इसमें कंपोनेंट्स लगा लगा के ना, देखो बहुत सारी कंपोनेंट्स लगाने पड़े छोटे से स्पेस में, भीड़ ज़्यादा हो गई है, तो सारा सेटिंग मैंने अब खुद करी है, बाहर से बाजार से सेटिंग लगा, इसकी कंट्रोल वायरिंग की है। तो इसमें आपने फिर क्या करना पड़ेगा, पंप को ऑफ करना पड़ेगा, फीड लाइन का हीटर ऑफ करना पड़ेगा, और इसको आपने ऑटो में करना पड़ेगा। तो ऑटो में जब आप करेंगे ना,
तो फिर आपका डिस्पेंसर चालू हो जाएगा, मतलब आपके लेड की, इसके लेड के अंदर जो लेड की इनपुट होगी वो फिर इस डिस्पेंसर के थ्रू होगी टोक फर्नेस से। ये देखिए, इसकी आप टाइमिंग घटा बढ़ा सकते हो, और कंट्रोल वाल भी है ऊपर, और फिर ये डिस्पेंसर का टाइमिंग भी है, तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कोई भी अगर इस चीज़ को कराना चाहे, दोनों फर्नेस अगर चलाना चाहे एक मशीन के अंदर, सपोज करो दो टाइप का अलॉय चलाना चाह रहे हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की। तो बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो और मेरी मेहनत।